बाल्यावस्था। चाइल्डहुड, ये सबसे मजेदार अवस्था होती है। कितने से कितना होती है पता है? कितना? हाँ बहुत सही बताया आप लोगों ने, हालांकि उत्तर नहीं दिया आपने, हाँ लेकिन फिर भी अच्छा ही था। 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है उसको हम लोग जो है बाल्यावस्था कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये अवस्था जो होती है बड़ी मज़ेदार इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके इतने ज़्यादा नाम होते हैं कि अगर आप नाम याद कर लें तो एक दो नंबर यहीं से आ जाता है। तो जो इसके सबसे पहला नाम जो होता है, आपने देखा होगा जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है बहुत ज़्यादा स्फूर्ति वाला होता है, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। यहाँ भी एक मिनट में है, एक मिनट में वहाँ, एक मिनट में वहाँ, वहाँ भागा, मतलब आप उसको देख नहीं सकते कि अब होता ना खाना पीना भूल जाता अपना, इसलिए इसको क्या कहते हैं स्फूर्त की अवस्था। इसके पीछे मेन रीजन यही है कि इस समय जो होता है एनर्जी बहुत भरपूर होती, वो पकड़ में नहीं आता है। तो ये कौन सी अवस्था है? स्फूर्त की अवस्था। दूसरी आपकी जो अवस्था होती है, आप ध्यान दीजिए कि ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? स्कूल जाना शुरू करता है। एडमिशन आपके यहाँ प्राइमरी में कब से लिया जाता है? 5 से 6 साल में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा नहीं, स्कूल की अवस्था, स्कूल की अवस्था। देखिए राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा सुंदर है लेकिन अभी हम लोग लिख नहीं रहे, बाद में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो अवस्था है प्रारंभिक स्कूल की अवस्था है। सबसे लेट बच्चा किस देश में जाता है पढ़ने पता है? हाँ लेट नहीं पता, आप लोग भी बता सकते हैं जो वो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं। बताएं सबसे लेट किस अवस्था कहाँ, मतलब किस देश का बच्चा पढ़ने जाता है, या हम ये कहें कि किस देश का बच्चा के वो बचपन जो होता है वो ज़्यादा होता है पता है? फिनलैंड का नाम सुना है? हाँ फिनलैंड। और कितने साल में जाता है पता है? 7 साल में। और आपको मज़ेदार बात बताएं, फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है, विश्व में सबसे टॉप नंबर का है, खास करके प्राइमरी एजुकेशन को अगर देखें तो। वो जो है वहाँ 7 साल में बच्चा पढ़ने जाता है, हमारे यहाँ कितने साल में जाता है? 3 साल में। नरक मचा दिया है उसकी ज़िंदगी में 3 साल में, मतलब हम समझ ही नहीं पाते 3 साल बच्चे को सिखाएंगे क्या है। तो दूसरा है आपका, ध्यान दीजिए कि इस अवस्था में बच्चा जो स्फूर्त की अवस्था है, यहाँ बच्चा खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है। अब इस खेलने की प्रक्रिया में वो गंदा हो जाता है, जैसे वो खाना खाएगा तो कम मुँह में कम जाता है, बाहर ज़्यादा जाता है। पानी पिएगा तो मुँह में कम बाहर, स्कूल से लौट रहा है कहीं गड्ढा दिखा पानी देखा, सारा काम छोड़ो पहले यही काम निपटाना है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? गंदा हो जाता है बच्चा, गंदी अवस्था, अथवा डर्टी एज। कारण इसके पीछे यही होता है कि वो हमेशा गंदा रहता है, मैला कुचला रहता है, खेल में बिजी रहता है, इसीलिए इसको खेल की अवस्था भी कहते हैं। एक और अवस्था है आपकी खेल की अवस्था। प्रश्न की बारीकी को ध्यान दीजिएगा, खिलौनों की अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, वेरी गुड। और जो वो अवस्था होती है खेल की अवस्था जो आपकी है वो बाल्यावस्था होती है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। खिलौनों की अवस्था होने के पीछे क्या है? शैशवावस्था का बच्चा है, सारा खिलौना पाया, अकेले खेलेगा, बैट भी उसका है, बाल भी उसका है, किसी को देने वाला नहीं, वो अकेले खेलेगा, बैल रखेगा, मारेगा, फिर वहाँ जाएगा मारेगा, क्योंकि उसमें है ना सामाजिक गुणों का विकास नहीं होता, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सामाजिक गुणों का विकास नहीं होता है, वो बैट से भी खेलेगा, बॉल से भी खेलेगा। अगला जो आपका पॉइंट है वो है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है ना कि वो कंटेंट को देख करके विचार करना शुरू करता है। आप जैसे वो बॉल देखा बैट देखा तो वो विचार बनाता है, हाँ ये होता है, ऐसा होता है, हमको भी चाहिए। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन की अवस्था। पढ़ लेंगे ना आप लोग? ऑनलाइन वालों को दिक्कत होगी, ठीक है अभी अच्छा लिखा जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन की अवस्था। अब आप आगे चलेंगे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसी को कहते हैं। और जो आपका है जिसे ये होता ना कि इस अवस्था में आकर के बच्चा जो है वो क्यों और कैसे का प्रश्न करता है। ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था का जो बच्चा होता है वो क्या और कौन का प्रश्न करता है। क्या है?
कौन है, लेकिन बाल्यावस्था का जो बच्चा है वो क्यों है, कैसे है, इसलिए हम लोग इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद इसमें होता है ना कि बच्चा जब कुछ करने वाला होता है, समझ रहे हैं, कुछ उसके दिमाग में अगर कोई काम आता है तो वो कुछ विचार करके ही काम करता है, इसलिए इसको हम लोग जो है वो वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको, अगर चाहें आप नोट नहीं करते, कर लीजिए, सब काम का है, ऐसा नहीं, इसलिए इसको हम लोग वैचारिक अवस्था भी कहते हैं, वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहते हैं। खेल अवस्था की अगर आप बात करें, स्टिंग का नाम सुना होगा आपने, स्टिंग नहीं सुना, नाम सुना होगा, तो स्टिंग ने कहा कि 10 वर्ष का बालक शायद ही ऐसा कोई खेल है जो ना खेलता। आप याद करिए जब हम लोग 10 साल के थे, सारे खेल खेलते थे, कुछ तो बना भी लेते थे, जो नहीं होता था वो भी खेल लिया करते थे, होता था कि नहीं होता था, बेईमानी मत करिएगा यहाँ पे। और एक जान डीवी के शिष्य थे, नाम सुना होगा, जान डीवी का नहीं उनके शिष्य का, किलपैट्रिक, अरे इतना पॉपुलर नाम है, किलपैट्रिक ने कहा है कि ये जो अवस्था होती है ये प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है, द्वंद्व होता है। जैसे इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है वो बहुत चिंतित रहता है, कि लोग उसको अच्छा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कोई गलती हो गई, तो ये जो अवस्था होती है, बालक यहाँ से निकलता है समाजीकरण की तरफ जब बढ़ता है तो ये हमेशा उसके दिमाग में बना रहता है। इसीलिए किलपैट्रिक ने कहा कि बाल्यावस्था जो है वो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। अगर हम लोग इसकी विशेषताओं की बात करें तो कौन सी विशेषता होगी, देखिए जब जानना क्या जरूरी है, सीटेट का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो जब आप अवस्था जानेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे और उसमें किस तरीके से एजुकेशन दिया जाएगा, जब आप इससे परिचित होंगे तब आप ये समझ पाएंगे इस अवस्था का बच्चा है, इसमें अगर हम उसको मैथ पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त वाला काम नहीं कर पाएगा, तो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो भिन्न भिन्न बताएंगे वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो होता ना दिक्कत आएगी उसको। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, आपने उसको पेन दिखाया, पेन दिखाया, पेन दिखाया, पांठ पेन दिखा दिया, अब कितना है बच्चा देख रहा है, गिन करके बता देगा, ये काम करता है। अगली जो इसकी विशेषता है, तो सबसे पहले विशेषता इसकी जो है वो है शारीरिक विशेषता, हम लोगों ने जो पढ़ा था सहसा अवस्था में, देखिए जो विकास की गति होती है, विकास का वो वीडियो भी पढ़ा है, अगर आप लोग चाहेंगे तो वहाँ देख लीजिएगा, तो जो विकास होता है शुरुआत में वो तेज होता है, फिर मंद होता है, फिर तेज होता है, फिर मंद होता है, इस तरीके से चलता है, कहने का मतलब इसकी गति जो होती है वो लंबवत नहीं होती, ये वाला नहीं होता, ये वाला होता है, वर्तुलाकार, नाम सुना होगा, आगे बढ़ता है अस्थायित्व प्रदान करता है, फिर आगे बढ़ेगा अस्थायित्व प्रदान करेगा, आगे बढ़ेगा अस्थायित्व प्रदान करेगा। सहसावस्था में जो उसका विकास हुआ था बहुत तेजी से हुआ था, इस अवस्था में आकर के थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके लोग बढ़ने की जो गति होती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर पर मिनट है, पर ईयर होती है। अगर पर मिनट बढ़ना शुरू हो जाए 5-6 सेंटीमीटर, मुझे लगता है कि वो शाम तक जाते जाते वो दीवार वीवाल तोड़ देगा, जो दिक्कत आ जाएगी इसे। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें जो कंडीशन होती है इस लंबाई की, इसमें दो चीज़ें निकल करके आती हैं, नंबर एक बालक बालिका। प्रारंभ में क्या होता है, लड़कों की लंबाई ज़्यादा होती है शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था की अगर हम लोग बात करें, इसमें जो है लड़का जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, लड़के की हाइट जो होती है वो तकरीबन 108 सेंटीमीटर होती है,
और लड़की की हाइट 108, इसमें थोड़ा सा कम होता है 107 सेंटीमीटर। लेकिन अंत के कंडीशन में हम लोग जब वो 10-11 साल में पहुंचते हैं तो वहाँ क्या होगा, बढ़ती तेजी से है, मतलब लड़कों से भी ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 139.2 लड़कों की हाइट जो होती है 138.3। लड़का जो होता है वो छोटा हो जाता है, लड़की की हाइट जो होती है वो बड़ी हो जाती है। हाँ हो गया 139। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0.2 ये जो होता है 8.3। ठीक, अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो उसकी जो हार्ट बीट होती है, धड़कन जो होती है कितना होगा पता है, धड़कन कितना होती नहीं पता। तीन अवस्थाओं को हम लोग अगर देखें, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों में हार्ट बीट जो होती है शैशवावस्था में कितनी होती पता है, 140, वेरी गुड। इसमें तकरीबन 100, इसमें नॉर्मल हो जाती है 70। ये उसका होता है शारीरिक विकास। मानसिक विकास की अगर हम लोग बात करें, नोट करते रहिए, नहीं करते काम का है सब, मिटा दें इसको। मानसिक विकास की प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी सी मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, लेकिन इसमें वृद्धि होती रहती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। इसीलिए बालक जो है वो प्रत्यक्षीकरण करना, स्मरण करना, इन सब गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। अब सीधी सी बात है, मानसिक विकास हो रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, तो क्या होगी, चंचलता बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, चंचलता कम हो जाएगी। हाँ, बुद्धि जब बढ़ेगी उसकी ना, तो चंचलता ऑटोमेटिक कम हो जाती है। यहीं आकर के बच्चा समझदार होना शुरू होता है और यहीं सबसे बड़ी गलती कर लेता है भाई, समझदारी जो है वो बहुत बड़ी गलती होती है, तो ज़्यादा समझदार होना भी ठीक नहीं। इसीलिए कहा जाता है ना कि कुछ भी हो जाए अपने अंदर बच्चा हो जाए, ज़िंदा रखिए। बच्चा अगर आपके अंदर ज़िंदा रहेगा तो वो आप सही काम करते रहेंगे, जिस दिन बच्चा मर जाएगा तो वो दिक्कत आएगी। इसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है, बच्चा ज़िंदा रखने का मतलब ये होता है कि अभी हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से इसको ज़िंदा रखने की हम लोग बात करते हैं, क्यों करते हैं। तो अगला पॉइंट ये होता है कि संवेदनशीलता और तर्क और चिंतन का वो चिंतन करने लगता है, चिंतन मनन तर्क करना। हमने बताया ना अभी आपको क्यों और कैसे जैसे का प्रश्न करने पड़ता है, वो आप पूछेगा तो वो गाड़ी चल रही है क्यों चल रही है, यह मतलब हवा भरा हुआ है गुब्बारे में, हवा निकलती है तो कहाँ जाती है, ये किस अवस्था का बच्चा प्रश्न करेगा। तीन तरीके का चिंतन होता है, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन और अतार्किक चिंतन। ऐसा चिंतन जिसका कोई उत्तर ही ना मिले, लेकिन वो करता है। शैशवावस्था का बच्चा जो होता है वो अतार्किक चिंतन करता है, बाल्यावस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है, किशोरावस्था में आकर के वो अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन सब करने लगता है। अगला पॉइंट आपका है कि वो जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। हमने बताया ना कि बच्चे को अपने अंदर जिंदा क्यों रखना है, क्योंकि जब बच्चा आपके अंदर जिंदा रहेगा आप प्रश्न करेंगे। जिसे होता ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं तो क्या दिक्कत आती, खुद ही पूछेंगे, खुद ही उत्तर देंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। हम लोग बाहर नहीं जाना चाहते, हाथ तो गूगल आ गया है और गूगल हमको ऐसी ऐसी जानकारी देता जो होती ही नहीं है। हाँ और क्या, इसीलिए कहते हैं ना गूगल पर ज़्यादा डिपेंड मत हो जाइए,
क्योंकि आप अगर किताब पढ़ेंगे उसका फ़ायदा ये होगा, कम से कम उसको चेहरे पे रख के सो तो पाएंगे, मोबाइल रख के कैसे सोएंगे, ये दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। होता ना साहब, हम बड़े आदर्शवादी लोग हैं, हमारे यहाँ अगर देखिए पूरे विश्व में ऐसा होता है, पहली मतलब कहीं होता है कि जहाँ किताब को अगर पैर से लग जाए, किताब गिर जाए, हम उसको उठा कर सर माथे पर लगाते, ये हमारी संस्कृति है। विद्या के प्रति हमारा ये समर्पण है, आप समझिए ज्ञान के प्रति हम लोग इतने ज़्यादा समर्पित हैं कि हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बुक नीचे गिर जाए, ऐसे लगता है जैसे हमारा कंटेंट गिर गया है, उठाओ जल्दी इसको। तो हमने आपको बताया कि इस अवस्था में आकर के बच्चा क्यों और कैसे का प्रश्न करता है, क्यों और कैसे जैसे का प्रश्न करता है, और बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है। आप उसके पास अगर बैठे हैं, और एक चीज़ और याद रखनी है कि बच्चा जितना प्रश्न करता है आप उसका उत्तर दें, समुचित उत्तर दें, झल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है, कुछ उसको होता ना कि रूढ़ होकर के जवाब नहीं देना, बेरुखी से जवाब नहीं देना, बहुत प्यार से जवाब देना। शब्द वही रहते हैं, मायने बदल जाते हैं, लहजा बदल जाए तो शब्दों के अर्थ बदल जाया करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है संग्रह की प्रवृत्ति। ये प्रश्न पूछता है संग्रह की प्रवृत्ति। देखिए संग्रह की प्रवृत्ति जो होती है, आपने देखा होगा, आप याद करिए अपना बचपन कि जब हमारे बैग में वो ढेर सारे कार्ड पड़े होते थे, वो जब हम लोग खेलते थे, चिब्बी उब्बी नहीं होती थी, गुट्टी उट्टी सब हमारे बैग में पड़ा होता। दरअसल ये वो अवस्था होती है कि बच्चा जो है वो शहंशाह होता है, बादशाह होता है, इतना अमीर होता है कि 5-6 उसकी पानी की नाव चलती है, 4-6 हेलीकॉप्टर उसके बैग में पड़े रहते हैं, हम भले कागज के हों लेकिन ये जो अवस्था होती है। और एक चीज़ याद रखें कि ये सब कुछ इकट्ठा करता है, जो उसको अच्छा लगता है बैग में रखो, बैग में रखो, जिसे इकट्ठा करने का मतलब है कब वो अपने पास ही रखता है। और ये संग्रह की प्रवृत्ति जो होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसको हम लोग प्रमोट करते हैं, जब एजुकेशन देते हैं तो इस प्रवृत्ति को हम लोग प्रमोट करते हैं, इससे हम लोग मितव्ययिता हमारे अंदर आती है। मितव्ययिता कंजूसी में अंतर होता है पता है कि नहीं, मितव्ययी होना और कंजूस होने में क्या अंतर है, कमाल करते हैं आप। हाँ, चाहे जो जाए प्राण जाए पैसा ना जाए, ये कंजूसी है। जैसे आपको सर्दी हुई आपने तुरंत दवा ले ली, और कंजूस क्या करेगा, जब तक बुखार नहीं टाइफाइड नहीं हो जाएगा, डॉक्टर ये नहीं लिख के देगा कि अब तुम मर सकते हो, तो हो सकता है लिख के दे दे तब भी ना खर्च करे, हाँ कि चलो पैसा बचाते हैं जो होगा देखा जाएगा। यही अंतर होता है मितव्ययिता और कंजूसी में। तो संग्रह की प्रवृत्ति होती है, अगर इसी मानसिक विकास में हम लोग एज वाइज डिवाइड करें है? कि किस एज में मतलब कब क्या होता है, तो जो 7 साल का बच्चा होता है, ध्यान दीजिएगा मानसिक विकास में, 7 साल का जो बच्चा होता है वो छोटी छोटी घटनाओं को बताता है। आप उसके पास बैठिए, वो आपसे उससे बात करिए, तो वो बताएगा हम गए, वो बात किए, उन्होंने मुस्कुराया, उनका खिलौना गिर गया, हम जोर से हंसे, हमको खांसी आ गई, वो फिर हंस दिए, ये हो गया वो हो गया, हर छोटी छोटी बात को ऐसे होता ना मोबाइल की तरह वो रिपीट करता रहता है, थकता नहीं है इसे, एकदम छोटी छोटी। कभी बच्चों के पास बैठिए, आधी साइकोलॉजी तो वही आपको पढ़ा देंगे। और उसके पीछे होता है वह 7 वर्ष की अवस्था में, पहली बात है कि छोटी छोटी बातों को बताता है, बातें बताना, उसके बाद क्या करता है 7 वर्ष की अवस्था में, वो समानता और अंतर करना सीख जाता है। समानता और अंतर करना सीख जाता है। समानता का मतलब है कि उसके पास भी वो हेलीकॉप्टर है, मेरे पास भी हेलीकॉप्टर है, उसके पास जो है गुड़िया है, मेरे पास भी गुड़िया है, उसके पास बंदूक है, मेरे पास भी बंदूक है, उसकी बंदूक कितनी बड़ी है, मेरी बंदूक कितनी बड़ी है। अंतर करना सीख जाता है कि हम ये वाला नहीं लेंगे, हमको वो वाला चाहिए, ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ये वाला नहीं लेंगे, ये सब क्या करता है, अंतर करना सीख जाता है। 8 वर्ष की अवस्था में
छोटी छोटी कहानी सुनाना करता है, छोटी छोटी क्या बल्कि ये कहिए कि कहानी सुनाता है और ऐसी कहानी सुनाता है जिसका निष्कर्ष निकलता हो, ऐसी कहानी सुनाएगा जिसका निष्कर्ष निकलता है। वो कहानी सुन करके कहीं आएगा या फिर अपने मन से बनाएगा। अभी कभी अब बच्चों को ध्यान से सुनिए और उनसे कहिए आप कहानी सुनाओ, वो चार पांच कहानी मिला करके एक कहानी सुनाएंगे, वो ऐसी कहानी सुनाएंगे उसका कुछ मतलब निकलेगा, लेकिन वो होगा ना वो तीन चार पांच कहानी मिला करके अपना वो मैनेज कर लेते हैं। अगला पॉइंट आपका है 9 साल में बच्चा पता है समय दिन दिनांक वार में अंतर करना वो समझ जाता है, वो जान जाता है। ये प्रश्न आपका आया था यच टिट में, हरियाणा टिट में और सी टिट में कि किस अवस्था का बच्चा दिन दिनांक समय और वार में अंतर करना सीख जाता है। तो 9 साल का जो बच्चा होता है वो दिन दिनांक और समय में अंतर करना सीख जाता है। कहने का मतलब अगर आप उसको घड़ी दे देंगे तो वो बता देगा कितना बज रहा है, इस समय कितना बज रहा है, हम तो कह रहे हैं 12:15 बज रहा है, सब सुबह है। तो ये वो बता देता है, 9 साल का बच्चा है, वो दिन बता देगा, दिनांक बता देगा, समय बता देगा, वार बता देगा। इससे कम के बच्चे से जो है हम लोग अपेक्षा नहीं कर पाते। बच्चा झूठ बोलना किस अवस्था में सीखता है? नहीं वो तो बाल्यावस्था में, ईयर में पूछ रहे हैं, ईयर में बताए, आप लोग भी बता सकते हैं। अभी हम लोग इसको जो है इसका उत्तर हम लोग अंतिम में देंगे, लास्ट में। तो किस अवस्था का बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है ये हम लास्ट में बताएंगे, आप लोगों को भी लास्ट में बताएंगे। अगला पॉइंट आपका है 10 साल का बच्चा। 10 साल का बच्चा क्या करता है? 10 साल का बच्चा जो होता है वो तेज गति से पढ़ना शुरू कर देता है, तेज गति से पढ़ना शुरू करता है, पढ़ता है। इसी अवस्था में तर्क और निरीक्षण क्षमता का भी विकास हो जाता है, तर्क और निरीक्षण क्षमता का विकास। इसी अवस्था में तर्क और निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है। कठिन शब्दों को समझने लगता है 11 साल का बच्चा। और तर्क करना शुरू करता है, बारह साल की अगर आप लोग बात करें, 12 साल में भी तर्क करता है। जिज्ञासा जो होती है वो अपने चरम पे होती है, जिज्ञासा की प्रबलता जो होती है वो 12 वर्ष की अवस्था में होती है। अगला पॉइंट, इसमें कम से कम 7, 8, 9 साल का आपको याद होना चाहिए, 7 साल, 8 साल और 9 साल का, क्योंकि 9 साल का 2 बार पूछ चुका है, हो सकता है इस बार 8 साल का पूछ ले, 7 साल वाला पूछ ले, 12 साल में वो थोड़ा सा दिक्कत है, वो हो सकता है वहाँ ना पूछे, लेकिन कम से कम 7, 8 में याद रखेंगे तो 7 साल में क्या है, 7 साल में यही है ना कि वो जी कहानी सुनाएगा, निष्कर्ष निकलेगा। याद रखिए वो भले 4 कहानी मिला करके सुनाए या हो सकता है अपने मन से कहानी गढ़ करके सुनाए, लेकिन वो या उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा। अनर्गल कहानी नहीं सुनाएगा,
अब वो कौआ प्यासा भी सुनाएगा तो लास्ट में बता देगा कि उसने जो है कंकड़ डाल करके पानी पी लिया। वो देखिए अब हम लोगों ने कब पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, जब टेस्ट का एग्ज़ाम देना हुआ हम लोगों ने किताब खोली प्राइमरी वाली, तो देखे कौआ फिर भी प्यासा बैठा है, इतना दिन हो गया पानी पिया नहीं है कि नहीं। अगला पॉइंट है समूह प्रवृत्ति की भावना। समूह की भावना का विकास होता है इस अवस्था में। होता क्या है, अपने जाना बच्चा खेल में रुचि लेता है, परिवार से इंटरेक्ट होता है, विद्यालय पहुंचता है, तो यहाँ पहुंच के वो क्या करेगा, दोस्त बनाएगा। सबसे पहले मित्रता दोस्त बनाएगा ना, ये हम लोगों का पहले काम होता है। देखिए हम लोग दोस्त बनाते समय पहले तो ऐसे ही बना लेते थे, बाद में ये देखते हैं कि डेली आता है कि नहीं, नोट्स वोट्स देगा कि नहीं, है कि नहीं, इस हिसाब से बनाने लगे। हालांकि इसको जो है वो कहते हैं ना स्वार्थ कहते हैं, इसमें मित्रता नहीं है। मित्रता में क्या है, जहाँ सहयोग हो, सद्भावना हो, सहयोग हो, सद्भावना हो, और क्या, सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्ती। सम्मान का गलगी दे के बात करेंगे, ये ज़रूरी थोड़ी ना है, उस गाली में भी सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है। इन सब गुणों का कहाँ विकास होगा, ये भावना उसकी बहुत प्रबल होती है। समूह प्रवृत्ति की भावना, इस अवस्था में समलिंगी भावना का विकास होता है। समलिंगी भावना का विकास, ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था का जो बच्चा होता है, पहली बात तो है कि वो बहुत ज़्यादा वो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो अकेले मगन रहता है, उसके मम्मी उसके पापा उसका खिलौना उसके चाचा उसके चाची उसकी दादी कोई दिक्कत नहीं इतने। लेकिन यहाँ जब आता है समलिंगी भावना का मतलब ये होता है कि शैशवावस्था में मित्रता बहुत वही होता है कि परिवार उरिवार से जुड़ा है तो जुड़ा है, वो बहुत हुआ तो पड़ोस में आया, उसके बाद वहाँ एक हालांकि समाजीकरण की प्रक्रिया यहीं से आरम्भ होती है परिवार से। लेकिन जो है कि जब बाल्यावस्था में पहुँचेगा इसमें क्या होगा, बालक जो होता है किसे दोस्त बनाएगा, बालक को, बालिका किसे बनाएगी, बालिका को। लेकिन किशोरावस्था में आने के बाद ये चेंज हो जाता है, ठीक, वो जब हम लोग किशोरावस्था पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये है कि समलिंगी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में। नकारात्मक मन आरंभ होता है, नोट कर लीजिए ये ज्यादा जरूरी है, नकारात्मक मन आरंभ होता है। नकारात्मक मन आरंभ होता है, नकारात्मक मन आरंभ होने का मतलब बच्चा चोरी करना सीखता है, अच्छा काम, चोरी करना, हाँ, झूठ बोलना, और मैडम जी हम होमवर्क करके आए थे कॉपी घर छूट गई, बहाना बनाना, हाँ, या वो दिए थे मैडम जी वो लिखने के लिए उसको वो आया ही नहीं, चुराया नहीं, आया ही नहीं, वो होगा जा करके लिख लेगा, तो ये किस अवस्था में, बाल्यावस्था। अगला पॉइंट लिखे आत्मनिर्भरता की भावना। इसी अवस्था में बच्चा अपने मित्रों का चयन करता है, हाँ होता ना लगुटिया यार, ये सुना होगा ये, हाँ, तो ये होता है इसी अवस्था में बनता है, मित्र का चयन करता है, और सबसे बड़ी बात है ना कि वो प्रशंसा पाने के लिए आतुर होता है,
अच्छा लड़का अच्छी लड़की एक बार में बात सुन लेता है, पानी लेकर के आता है, ये दुनिया भर का जो होता है, हाँ। और इतना पानी उन्हीं लाने में इतना मगन रहता है, एक गिलास मांगिए दो लाता है, और ना मांगिए तब भी ला करके दे देता है, पानी पी लीजिए। अच्छा बनने के वो होता ना कि अच्छे बने रहे, तो ये कार्यक्रम कहाँ होता है, बाल्यावस्था। अगला पॉइंट लिखिए, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भर होने का मतलब यह होता है कि ये वो अवस्था है कि बच्चा यहाँ आकर के खुद नहा लेता है, अपने कपड़े पहन लेता है, अपना बैग सही जगह रख देता है, अपने सूज रख देता है, अपने बुक रख लेता है, होमवर्क भी थोड़ा बहुत अगर उसके काम लायक है तो कर लेता है। किस अवस्था तक, किस कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता है, ये भी बहुत दिक्कत है। अभी कहाँ तक, थर्ड की सेकंड, सेकंड तक के बच्चे को होमवर्क नहीं दिया जाता है, हाँ ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी अभी वो आपका पाठ्यक्रम परिवर्तन हुआ है। अब पढ़ लीजिएगा वो बैग वाला आपका, किस अवस्था में कितने वजन का बैग होना चाहिए, कभी नोट करा देंगे, आप लोग खोजिएगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बताइएगा, हम नोट करा देंगे कि 3 साल का बच्चा है तो कितना वजन होगा, कितना वजन होगा। और ये माना जाता है कि पूरे शरीर का 1/10 ही भाग होना चाहिए वो बैग का, अगर आप 10 किलो के हैं तो आपका वजन जो है वो 1 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके बैग का। अभी देखिए वो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं, अच्छा वो उनके हेल्पर लगे रहते हैं, मम्मी पापा वो होता ना, वो जाएंगे उसको बस में बिठाएंगे, टाटा वाटा कर देते अपना, गया फारेन, अब ये लौट करके अगले साल आएगा, 5 बजे का बैठा बच्चा, 9 बजे फिर आएगा, वो 9 बजे स्कूल पहुँचेगा, 3 बजे छुट्टी होगी, 6 बजे घर आएगा, खाए पिए सो जाएगा, फिर उसको अगले दिन तैयार वापस भेजना शुरू। ये एजुकेशन नहीं, बच्चा सीख नहीं पाएगा, लर्निंग नहीं होगी। आप देखिए ना ज्ञानात्मक बोधात्मक क्रियात्मक वो जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, इस अवस्था में आएगा बच्चे चीज़ों को रटना शुरू करेगा, ये ठीक है, बोध के लिए आवश्यक है, लेकिन सिर्फ रटना ही बोध के लिए आवश्यक नहीं। आप सारी चीज़ों को रट नहीं सकते, आपके दिमाग की कैपेसिटी ब्लास्ट हो जाएगा ज़्यादा रटते ना। वो देखिए परीक्षा के टाइम हम लोगों का दो चीज़ें होती हैं, या तो समझ लो या तो रट लो, यही होता है ना। डीएड और बीएड की बात बता रहे हैं, एमएड की बात बता रहे हैं, इसे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, रट लो। और जबकि अगर हम लोग समझ लें और समझ करके लिख दें, यकीन मानिए नंबर बहुत अच्छा मिलता है। आपने कभी अपने मन से उत्तर नहीं लिखा, एक बार अपने मन से उत्तर लिख करके देखिए, नहीं रिजल्ट खराब होगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ हो सकता है एग्जामिनर ही गड़बड़ हो जाए तो उसमें मेरी गारंटी नहीं है। जैसे होता ना दो तरीके के टीचर होते हैं, एक टीचर वो होता है जो आपके हर प्रश्नों में वो अपना उत्तर ढूंढता है, नया उत्तर ढूंढता है, दूसरा टीचर होता है वो एकदम कन्फर्म ढूंढता है। जैसे रटना इसलिए प्रभावी है, भारत से आपसे पूछा जाए भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947, ये आपने याद कर लिया, कैसे आज़ाद हुआ, कितना रट के बताएँ, आप परिस्थितियों को समझे उस समय कि क्या दिक्कतें थी, उपनिवेश हो गया था पूरा, हम लोग सांस लेने के लिए भी समझ लीजिए एक तरीके से अंग्रेजों से आ जाए वो परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम सांस लेने वाले, ये दिक्कत थी। ऐसी स्थिति में आप वहाँ आपका बोध काम शुरू करेगा, क्रियात्मक होगा, आप आएंगे बच्चों को वो पूरा करके बताएंगे, दिखा के बताएंगे, नाटक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, ये आपका क्रियात्मक होगा। रट करके आप कितना बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे, रट करके आप बच्चे को कितना समाजशास्त्र पढ़ाएंगे, कितना भूगोल पढ़ाएंगे, कितना जो है वो अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे। और अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है हर 3 महीने बाद बदल जाता है, इसका मुझे बहुत दर्द है। अगला पॉइंट है रचनात्मक कार्यों में रुचि। याद करिए अपना बचपन, जब हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 साल के थे, लड़कों की अगर बात किया जाए तो वो हरदम कुल्हाड़ी एक हाथ में वो ले करके पेड़ काटना, वो छांटना, ये करना वो करना, होता ना गिल्ली अपना बनाना, डंडा बनाना होता ना, वो गिल्ली डंडे को सजा देते थे, सब छोड़ दीजिए। लड़कियों की अगर हम लोग बात करें तो वो गुड़िया बनाना, वो गुड़ियों को सजाना, दुनिया भर का काम करते। देखिए हम लोग जेंडर की बात नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को अलग करती, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है एक दूसरे के पूरक हैं, हमारा तो एजुकेशन सिस्टम ही गलत है साहब। हम लोग विलोम पढ़ाते हैं, विलोम पढ़ा होगा, दिन का उल्टा, मालिक का उल्टा, स्त्री का उल्टा,
अब आप सोच करके बताएं कि एक दूसरे के पूरक हैं कि उल्टे हैं, सोच के बताएं। हमारे पास कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, हम लोग रट लेते हैं, बच्चे के कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप कर देते दिमाग में कि स्त्री का उल्टा पुरुष होता है, मालिक का उल्टा नौकर होता है, दिन का उल्टा रात होता है। अब वो समझ जाता है, वो समझ जाता है कि अगर स्त्री कोई काम कर रही है तो पुरुष को क्या करना है, उसका उल्टा करना है। यहीं से हमारा रूसो जन्म ले लेता है। रूसो का नाम सुना? उसने कहा पढ़ी लिखी स्त्रियाँ प्लेग रोग के समान होती हैं। उसने कहा है ना, मालिक नौकर के लिए घातक होती हैं, पढ़िएगा ये सब दर्शन की बात है। उसका अपना बिगड़ा हुआ था, भड़का हुआ था, वो स्त्रियों के लिए लेकर के कहा। ये चीज़ें होती हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। खैर, ये अगला पॉइंट है रचनात्मक कार्यों में रुचि। तो हम लोग कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास। हमने आपको बताया कि इस अवस्था में बच्चा घर से निकलता है, पड़ोस में जाता है, पड़ोस से निकल करके विद्यालय जाता है, वहाँ जा करके जो है वो दोस्त बनाता है, एक तरीके से वो अपना समाज निर्मित करने लगता है। नैतिक गुणों का उसके विकास होता है, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण, अनुशासन, आज्ञा पालन आदि गुणों का विकास होता है। क्योंकि देखिए, समाज तभी बनेगा जब आप उसके कुछ बनाए हुए नियम का पालन करेंगे। अभी हमने बताया ना, उन्होंने परिभाषा दिया कल्पेट्रिक ने कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है, आप डरे रहते हैं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इस तरीके से जैसे भय की अगर हम लोग बात करें, तो भय की अगर बात करिए आप, तीनों अवस्थाओं में भय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों में डर अलग अलग होता है। पता है शैशवावस्था में किसका डर होता है? वर्तमान का, दूध नहीं मिला, मेरा खिलौना छीन के लेके चला गया, वो उसके पास वो वाली ड्रेस आ गई, हम तो नहीं समझ पा रहे, हमको भी वही चाहिए। तो दुनिया भर का जो चिंता करेगा वो कैसा होगा? वर्तमान का। बाल्यावस्था का बच्चा असफलता से डरता है, लोग उसको अच्छा नहीं कहेंगे, लोग उसको बुरा कहेंगे, ये काम होगा अगर उससे खराब हो गया तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया भर का वो कॉन्सेप्ट वर्क कर लेता है। किशोरावस्था का बच्चा किसका चिंता करता है? भविष्य का। ये तीनों का भय अलग अलग होता है। अगला पॉइंट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास से आशय ये है कि शैशवावस्था का जो बच्चा होता है वो अमूमन अंतर्मुखी होता है, एकांत प्रिय होता है, वो ना लोगों से मिलना चाहता है ना लोगों से कोई बातचीत करना चाहता है, उसका जितना छोटा सा परिवार है उसी में अपना घुलना मिलना उसका लगा रहता है। समाजीकरण की अगर आप लोग बात करेंगे तो आप देखेंगे ना, जैसे उसका परिवार ही उसका समाज होता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर उस बच्चे को अगर वो खेल रहा है, शैशवावस्था का बच्चा है, अगर कोई पड़ोसी उठा ले तो घर का कोई बंदा अगर उसके पास अगर दिख जाए तो वो किसके पास जाएगा? उसके पास चला जाए। मान लीजिए उसके चाचा है, मान लीजिए चाचा गोद में लिए हैं, माता जी आ गए, अब कहाँ जाएगा? तुरंत ट्रांसफर होगा। लेकिन बहिर्मुखी ही बच्चा है। व्यक्तित्व अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, युंग ने डिवाइड किया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, तो इस अवस्था में आता है बच्चा बाह्य जगत में रुचि लेना शुरू करता है, लोगों से मिलना शुरू करता है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है, दोस्त बनाना शुरू करता है। तो इस अवस्था में जो है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला पॉइंट आपका है काम प्रवृत्ति की न्यूनता। नोट कर लीजिए, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। मनोविश्लेषणवादियों खास करके फ्रायड ने बताया, आपने पढ़ा होगा, तो उसने बताया कि ये जो अवस्था होती है इसमें काम प्रवृत्ति की जो है न्यूनता हो जाती है, और इस अवस्था में उसको अंदर से कोई ऐसा प्रेरक नहीं होता जो उसको किसी काम से जो है डिस्ट्रैक्ट करे।
इसीलिए इसको निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। बताया था कि नहीं शुरुआत में, निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रेरक नहीं होता जो उसको डिस्ट्रैक्ट करे। काम प्रवृत्ति जो होती न्यून होती, खास करके फ्रायड ने बताया। सहसा अवस्था में क्या होता है, सहसा अवस्था में काम प्रवृत्ति होती। ये टेट 2016 जूनियर का प्रश्न था कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति जो है अपने न्यून स्तर पे होती है, तो उत्तर जो सही था वो बाल्यावस्था सही था। अमूमन हम लोग क्या लगाते हैं, सहसावस्था, लेकिन गलत है। सहसावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, किशोरावस्था में जाकर के ये पुनः जागृत होती है और परिपक्व हो जाती है। काम प्रवृत्ति की जो है संतुष्टि सहसावस्था में बच्चा वो अपना, वो हम लोग जब पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पढ़ेंगे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रायड का, लिबिडो, सेक्सुअल एनर्जी। तो उसमें उन्होंने बताया कि किस अवस्था का बच्चा, इस अवस्था में बच्चा किस तरीके से अपने जो है काम प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। और इतना बहुत है। संवेगात्मक विकास की अगर हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा यही बाकी रह गया। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक अगर विकास की अगर आप लोग बात करें, इस अवस्था में जो होता है संवेग जो होते हैं उसकी तीव्रता में क्या होगा, कमी आ जाती है। किशोरावस्था में और सहसावस्था में भी तीव्र होता है, किशोरावस्था में तूफान पे होता है और उसका थामना बड़ा मुश्किल होता है। इसी यही अवस्था किशोरावस्था, ये कैसी अवस्था है जिसमें हम सही होते हैं, पूरी दुनिया गलत होती है। अब उस समय जो है हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है, हम पूरा विश्व बदलने के कगार पे होते हैं। जब हम लोग डीएलएड वीएलएड करके खाली होते हैं तब लगता है बाकी सब ठीक है, प्राइमरी में नौकरी लग जाए, हाँ पूरा विश्व सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी में नौकरी लग जाए, यही होता है ना। हाँ, लेकिन किशोरावस्था में आप याद करिए, अगर आप अपनी अवस्थाओं को, इस कॉन्सेप्ट को हमारे पढ़िए और इसको आप अपने अवस्था से मैच कराइए, सब एक जैसे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके अंदर संवेग है, सब उस तरीके से होते। आप अपना याद करिए, आप समझ जाएंगे कि आप 6 साल के थे तो आप क्या करते थे, 8 साल के, 10 साल, स्टेंग ने कहा ना 10 साल का ऐसा ही कोई बच्चा होता है, ऐसा 10 साल का कोई बच्चा है जो ऐसा कोई खेल नहीं बचा होता जो वो ना खेला। आप याद करिए, इस अवस्था में हम लोग तो नए नए खेल बना लेते थे, नियम में भी परिवर्तित कर देते थे। अगर थोड़ा सा बच्चा चालाक है, अब याद करिए हम लोग खेलते थे ना, जिसका बैट होगा उसकी बैटिंग पहले, वो पहले बैटिंग करेगा, जिसकी बॉल है वो पहले बॉलिंग करेगा, और जिसका नहीं वो पहले फील्डिंग कर ले उसके बाद आए, और 3 बार जब जिसका बैट है वो 3 बार आउट होगा तब माना जाएगा। ये वो अवस्था होती है, लेकिन ये एक चीज़ है, ये अद्भुत। आप याद करिए, वो लिखा ना उन्होंने, क्या नाम था उनका, जगजीत सिंह ने, मुझे लौटा दो वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, याद है? तो याद करिए उसको, यही वो अवस्था होती है। हालांकि आज जो है वो मोबाइल ने वो कागज़ की कश्ती को चुरा लिया है, वो बच्चा गरीब हो गया, ये दिक्कत है। लेकिन आप याद करिए, ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, जो हम आपको यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ये नॉलेज बूम की कंडीशन है। आपके पास जो बच्चा आएगा, जैसे हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन सोर्स की बात करें, तो जो पहले जो बच्चा था 90 के दशक का जो बच्चा था, 95, 96, 97, 98 तक, 2000 तक हम लोग मान लें, तो इस समय जो बच्चा था उसके पास इन्फॉर्मेशन सोर्स कितने होते थे, मम्मी पापा, आसपास पड़ोस, उसके टीचर। आज आज गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, रही सही कसक वो जो है वो टिकटॉक ने पूरी कर दी, अब तो मतलब तहलका मचाया हुआ है। ये हालत है। आप याद रखिए कि जब आप प्राइमरी में टीचर बनेंगे तो आप ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे कि जो इन्फॉर्मेशन मम्मी से लेकर के आया, जो पिताजी से लेकर आया, जो पड़ोसियों से लेकर के आया। आप ऐसे बच्चे को पढ़ाएंगे जो 360 राउंड, हालांकि देश में विषमता बहुत ज़्यादा है आज भी, वो देखिए कहीं कहीं वो अभी पहली बार लाइट कहीं पहुँची, पहली बार वो लाइट उनके घर आई तो वो रात भर जगे कि ये क्या हो गया, कहीं आग ना लग जाए, इससे ज़्यादा देर जलता रहे, तमाम तरीके के विचार थे। हालांकि भारत और वो इंडिया और भारत में बड़ा अंतर, एक्चुअल हिंदुस्तान आपको देखना है, हाईवे छोड़ करके 10 किलोमीटर अंदर चले जाइए, हिंदुस्तान आज भी वही है जहां महात्मा गांधी छोड़ के गए थे। ये एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन ऑफलाइन की हम लोग बात करते हैं, ऑनलाइन कौन बच्चा पढ़ेगा, आप समझ रहे हैं?
जिसके पास सेल होगा, मोबाइल होगी, रिचार्ज कराएगा, वही तो पढ़ेगा जो एक्चुअल एजुकेशन का वो हकदार है। सच्चाई तो यह है कि एजुकेशन आज भी उसके दरवाजे पे वो दस्तक नहीं दी, वहाँ नहीं पहुँच पाई है। आज भी भारत में तकरीबन 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन से वंचित है, ये ज़्यादा है, 5 करोड़ एक सरकारी आंकड़ा, जिसमें से 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो जो एडमिशन लिया छोड़ दिया, और 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय का मुंह तक नहीं देख पाए। ये एजुकेशन, इसलिए यहाँ प्राइमरी में काम करना, इसलिए नहीं प्राइमरी ज्वाइन करनी है कि जाएंगे वहाँ कुर्सी लगा करके आराम से चलेगी नींद, हाँ कोई सनकी बी एस से पहुँच गया तो काम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा याद रखिएगा, कोई अगर भड़का हुआ पहुँच गया हम लोग जैसा तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, इसलिए पढ़ाने के लिए पढ़िएगा, ज्वाइन करिएगा। उसके बाद ये होता है कि संवेगात्मक द्वेष की भावना का विकास होता है, द्वेष की भावना का विकास होता है। द्वेष की भावना सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? भाई बहनों में, भाई भाई में सब जुट करके जो है वो उसके पास वो वाला, उसको कपड़ा आया हमें भी चाहिए, उसको खिलौना आया हमें भी चाहिए, ना आया तो घर उठा लिए सर, बात खत्म। उसके बाद ये होता है कि इस अवस्था में आकर के निराशा, जैसे अगर कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है बाल्यावस्था के बच्चों में तो निराशा उत्पन्न होता है, अमूमन असफलता से डरा हुआ होता है, हर्ष उल्लास आनंद इनका भी अनुभूति बच्चा करने लगता है। ये है आपकी बाल्यावस्था की विशेषता। और वो जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश में बच्चा जो है सबसे लेट पढ़ने जाता है, बता नहीं बताए, बता दी, फिनलैंड, 7 साल में वहाँ बच्चा पढ़ने जाता है, सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, और वहाँ का बच्चा कहा जाता है ना कि वहाँ के बच्चों का बचपन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कक्षा 7 तक बैगलेस एजुकेशन जापान में दी जाती है, 7 तक बच्चे को घर से कुछ नहीं ले जाना है, टिफिन भी नहीं ले जानी है, पानी भी नहीं ले जाना है, खाली जाना है, मिड डे मील वहाँ भी मिलता है, बस अंतर इतना होता है कि वहाँ ठीक ठाक मिलता होगा, हमारे यहाँ सब अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, होता ना बुराई कैसे करें, वो जो ऑनलाइन भी चल रहा है क्या बताएं। ये हालत है, जैसे कॉन्सेप्ट ही हमको नहीं पता ऐसा कि भरपेट भोजन देना है कि पौष्टिक भोजन देना, मेनू लगा करके रखा है, सोयाबीन खिला रहे हैं लगातार लगातार, अब सिर्फ है दूध देते हैं, बुधवार को दूध देते हैं ना, बुधवार को दूध देते हैं, और दूध कैसे देते हैं, गर्म करके प्लास्टिक के गिलास में, कमाल है, ये सारी दिक्कतें। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो और पढ़ाएंगे तो छोड़ दें, बस धन्यवाद।